हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं। आज देखिए बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग डे रहा हमारे लिए और अच्छा खासा दिन रहा, एकदम रोलर कोस्टर राइड रही। पर देखते हैं किस हिसाब से आज हमने लॉस या फिर प्रॉफिट किया है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों 9:34 हो चुके हैं और फिलहाल देखते हैं यहाँ पर एक 5 EMA का सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए एक लमसम एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। पुट साइड का प्रीमियम देखते हैं, अभी 52,300 को देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा डीप इन द मनी चलेंगे, 227 एक बार चार्ट देख लेते हैं। वेयर इज द बैंक निफ्टी, ये रहा। चलिए एक लोट के साथ कहाँ पर प्लेस हुआ ऑर्डर, एक मिनट देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा दूर ऑर्डर प्लेस हो चुका है। थोड़ा सा लिमिट ऑर्डर अगर लगा कर रखे ना तब ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है हमें। चलिए अभी 228 से हम 20 पॉइंट्स का लेवल 208 के हिसाब से, और कैंडल है ये, टाइम है 9:33 का एसएल यहाँ पर रखते हैं 218। इस लेवल के आसपास का एसएल रखेंगे, 218 के आसपास का ऑर्डर। चलिए एकदम से मार्केट क्रैश कर गई अप ट्रेंड में। आप लोगों ने देखा किस तरीके का मार्केट यहाँ पर देखने के लिए मिला है हमें, और हालांकि 20-30 पॉइंट्स के हिसाब से हमें ये देखने के लिए मिला और एकदम से अप ट्रेंड की कैंडल अभी जो बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप दोस्तों ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो OI अगर देखा जाए तो OI अभी पुट साइड ज़्यादा बना हुआ है और कॉल साइड जो है हल्का फुल्का सा OI चला हुआ है। खैर जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने जो एक एंट्री बनाई थी इस लेवल के आसपास, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने बैंक निफ्टी में इस लेवल के आसपास एंट्री बनाई थी और इसी लेवल से मार्केट ने अभी एक शार्प फॉल दिया है और उसके बाद मार्केट एकदम से अप ट्रेंड आ गई है। तो ये है एक 5 EMA का, यहाँ से इसको कह सकते हैं कि 5 EMA ने यहाँ पर अच्छी तरीके से वर्क नहीं किया। जैसे ही अगर फिलहाल उसको वर्क करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर लमसम इसका ओपनिंग है आज की रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट हमारे हिसाब से हमेशा नहीं चलती। चलिए एक बार फिर से एंट्री कर लेते हैं इसमें। एक लॉट से, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक इसका लो क्रॉस करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। हल्का सा स्टॉप लॉस रखेंगे इसे।
हल्का सा स्टॉप लॉस रखेंगे, 100-200 का स्टॉप लॉस रखते हैं। आज हमने, ये हमारी दूसरी ट्रेड है, इसका एक रीज़न ये भी है कि 200 ओके ये आप लोग देख सकते हैं अभी कि यहाँ पर हमारा जो प्रीमियम है वो किस तरीके से चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, देखते हैं, फिलहाल इंतज़ार करते हैं। अगर इस लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस मिला है, 300 के लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर आया है, तो मार्केट को अच्छा खासा फॉल डाउन आना चाहिए अभी, पर यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इसकी एक मेन रीज़न जो मैं आपको बता देता हूँ वो है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट की वजह से दोस्तों थोड़ा सा आपको गर्मा गर्मी देखने के लिए मिल सकती है, तो इसी वजह से हम अपना लॉस को भी थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, ताकि अगर लॉस जितना अभी रिकवर हो चुका है 47-48, पर कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए, मार्केट में इजी रहकर ट्रेड करिए, और अगर लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम थोड़ा लॉस इसके अंदर सहने के लिए तैयार हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा, हम जो डेली लाइव ट्रेड कर रहे हैं इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जैसे अभी देखिए 19 लमसम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से मूवमेंट देगा तो देखिए यहाँ पर अभी जो चल रहा है लॉस, और ये हमारा रखा हुआ है हमने SL, ये हमारा SL रखा हुआ है, और इसके अंदर भी आ जाते हैं। यहाँ पर जो ये चल रहा है हमारी शॉर्ट्स एंड लॉन्ग पोजीशन, सॉरी ये हमारी लॉन्ग पोजीशन, लमसम अमाउंट के साथ चलते हैं, देखते हैं कितना अभी नीचे आया, और हो सकता है स्टॉप लॉस हिट कर दे ये हमारा। ये देखिए एक स्पाइक के अंदर स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी उतना मूवमेंट है ही नहीं। देखिए कोई बात नहीं, अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट सबका है, मार्केट को ऐसे ही वर्क करना होता है। जब देना होता है तो मार्केट एकदम से दे देता है, और नहीं देना होता तो बिल्कुल भी नहीं, ज़बरदस्ती मत करिए मार्केट में। ये देखिए एकदम से एक स्पाइक के साथ 170, और आप देखिए कितना बड़ा स्पाइक आया। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको कैसे पता लगेंगी, क्योंकि लॉस तो हो रहा है, क्योंकि एक इससे पहले कि अगर आपने हमारी रील्स वगैरह देखी हैं या फिर आपने वीडियोस देखी हैं हमने अपने चैनल पर डाली हुई हैं, उस चैलेंज के अंदर हम लगभग एक वीक के आसपास हम लगातार प्रॉफिट में रहे, और अब क्या है, अब इस स्ट्रेटजी का लूजिंग स्ट्रीक आ चुका है, अब इस स्ट्रेटजी के अंदर लूजिंग स्ट्रीक आ चुका है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर लॉसेस उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं, वरना हम पहले इतने इतने पॉइंट में अच्छे अच्छे बना जाते थे, वो बनाने का मतलब ये था क्योंकि मार्केट के अंदर दोस्तों यहाँ पर लमसम अमाउंट, ये मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट जो है पुट साइड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से पुट के ऑप्शन में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई देती। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है इससे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।